शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। लॉकडाउन के दौरान लोगों को बाहर निकलने से रोकने के लिए और कोरोना से बचने के लिए शहर के यातायात पुलिस ने दर्जनों संगीत से जुड़े कई प्रोग्राम दिए थे, जिसके समापन वैरायटी चौक पर किया गया। इस मौके पर शहर के गायक गायिकाओं को और पुलिस अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। सिटी में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। एक ही दिन में 43 संक्रमितों के बढ़ जाने से लोगों में दहशत बढ़ गई है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को बाहर निकलने से रोकने के लिए और कोरोना से बचाने के लिए शहर यातायात पुलिस ने शनिवार की शाम वैरायटी चौक पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस ने गाना गाकर लोगों को घर में रहने पर जागरूक किया। नागपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय के मार्गदर्शन में 24 अप्रैल से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। अभियान के अंतर्गत पुलिस ने अब तक 31 स्थानों पर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों का मनोरंजन कर जन जागृति अभियान चलाया। इस बारे में DCP विक्रम साई इन्होंने इनबीसीएन समक्ष जानकारी दी। समय में DCP विक्रम साई हमारे साथ आए हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार लॉकडाउन के चलते लोगों के मनोरंजन के लिए जो नागपुर शहर वाहतूक पुलिस के ओर से ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है जिसका समापन है, इस बारे में उनका अपना क्या कहना है? साई साहब ये बताए कि जिस तरह से समापन का प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से आदरणीय CP साहब के संकल्पना से म्यूजिक सिस्टम का प्रोग्राम किया था। लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम कोरोना से बचने के लिए आप घर में ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपके एंटरटेनमेंट के लिए पुलिस तैयार है, लेकिन आप घर में रहें, यही संदेश है। सर, म्यूजिक की बात अलग है, लेकिन एक और लोग लॉकडाउन में भी उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे, ऐसे लोगों को क्या करना चाहोगे? नहीं, उल्लंघन जो करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब ये बहुत सारी इसेंशियल चीजों के लिए लोग बाहर आ रहे हैं, इसलिए रोड पे गर्दी दिख रही है, भीड़ दिख रही है। अच्छा काम काज कर रहे हैं, वॉरियर्स के लिए क्या कहना चाहोगे? वॉरियर्स का काम तो बहुत ही जबरदस्त है, उनको पुलिस विभाग की तरफ से सैल्यूट है। उन्होंने हमारा पुलिस विभाग का काम बहुत ही हल्का किया है और वो हमें खूब सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ पुलिस विभाग। तो आप थे DCP विक्रम साई, जिन्होंने बखुबीर बेपा के साथ बात करते हुए कहा कि जो वारिस है उनको सलाम किया और जो लोग उल्लंघन करेंगे उन्हें पनिशमेंट भी किया जाएगा, ऐसे DCP जी ने कहा। और DCP ने एक बात और भी कही है कि जिस तरह से ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं ये मनोरंजन के लिए चल रहे हैं, जो लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में है, अब तक जो 29 सोसाइटी में इस प्रकार के कार्यक्रम दिए गए जिसका समापन आज इस गांधी पुतले के पास में किया गया है। नागपुर के गांधी पुतले से कैमरा पर्सन सुभाष भुतले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।